केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। अमित शाह शनिवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 बजे उतरेंगे। दुनिया से कश्मीर की सीधे कनेक्टिविटी के लिए अमित शाह इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत करेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट से अमित शाह शाहजहां श्रीनगर की पहली फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद यहां से सीधे राजभवन जाएंगे। राजभवन में शाह की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में आतंक के खिलाफ रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। शाह की यात्रा का मकसद राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा बताया जा रहा है, लेकिन जिन हालातों में उनका ये दौरा हो रहा है उसे देखते हुए उनकी ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से घाटी में टारगेट किलिंग के चलते दहशत है। अपने 3 दिन के दौरे में शाह आतंकियों के निशाने पर आकर अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से अमित शाह की ये पहली कश्मीर यात्रा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। अमित शाह शनिवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 बजे उतरेंगे। दुनिया से कश्मीर की सीधे कनेक्टिविटी के लिए अमित शाह इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत करेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट से अमित शाह शाहजहां श्रीनगर की पहली फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद यहां से सीधे राजभवन जाएंगे। राजभवन में शाह की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में आतंक के खिलाफ रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। शाह की यात्रा का मकसद राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा बताया जा रहा है, लेकिन जिन हालातों में उनका ये दौरा हो रहा है उसे देखते हुए उनकी ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से घाटी में टारगेट किलिंग के चलते दहशत है। अपने 3 दिन के दौरे में शाह आतंकियों के निशाने पर आकर अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से अमित शाह की ये पहली कश्मीर यात्रा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। अमित शाह शनिवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 बजे उतरेंगे। दुनिया से कश्मीर की सीधे कनेक्टिविटी के लिए अमित शाह इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत करेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट से अमित शाह शाहजहां श्रीनगर की पहली फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद यहां से सीधे राजभवन जाएंगे। राजभवन में शाह की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में आतंक के खिलाफ रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। शाह की यात्रा का मकसद राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा बताया जा रहा है, लेकिन जिन हालातों में उनका ये दौरा हो रहा है उसे देखते हुए उनकी ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से घाटी में टारगेट किलिंग के चलते दहशत है। अपने 3 दिन के दौरे में शाह आतंकियों के निशाने पर आकर अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से अमित शाह की ये पहली कश्मीर यात्रा है। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।